मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी फैलने के कारण स्कूल बंद थे। सीनियर और जूनियर बच्चों को तो फिर भी बीच बीच में कुछ दिनों के लिए स्कूल जाने का मौका मिला था, लेकिन प्राइमरी के बच्चे पहली बार सोमवार को स्कूल पहुंचे हैं। बच्चों की संख्या कम रही, लेकिन जो पहुंचे उनमें पूरा उत्साह दिखा। स्कूलों ने भी बच्चों के स्वागत की तैयारियाँ अलग अलग अंदाज में की थी। पूरा स्कूल उनकी आवभगत में लगा रहा, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचकर अच्छी अनुभूति हो। स्कूल प्रबंधन ने भी बच्चों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था की थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मैं अमाजुद्दीन शेख, शासकीय प्राथमिक विद्यालय खरगोन 15 खरगोन। आज कोविड-19 के खत्म होने के बाद बहुत दिनों बाद स्कूल खुली है। बच्चों में बहुत उत्साह है और पालकों में बहुत उत्साह है, और हमने बच्चों को सैनिटाइज किया, मास्क वितरण किया गया, और बच्चों को शासन के निर्देश अनुसार 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी सैनिटाइज किया गया, और बच्चों में बहुत उत्साह पाया गया। बच्चे 9:30 बजे से स्कूल आ गए। बहुत से बच्चों को हमने शासन के निर्देश अनुसार 50% उपस्थिति अनिवार्य थी, हमने ज़्यादा बच्चे आ गए इसलिए हमने वापस किया और उनको कल आने के लिए कहा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमाजुद्दीन शेख, शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 15 खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।